देखिए, हमें कष्ट दो कारण से मिलता है। एक तो हमारा जो पाप कर्म है इस जन्म का और पहले जन्म का, तो उस पाप का फलस्वरूप हमें कष्ट झेलना पड़ता है। और हम जब भगवत मार्ग से चलते हैं, भक्ति मार्ग से चलते हैं, ईश्वर क्या है इस ओर से हम चलता है, तो हमें कष्ट झेलना पड़ता है। आप यदि सत्संग से है, आप एक सद्गुरु से है और आप ईश्वर सेवा पूजा भजन आदि कर रहे हैं, फिर भी आपको कष्ट मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपको विचलित किंचित विचलित होने का कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक मार्ग से चल रहे हैं और ईश्वर इसलिए आपको कष्ट पहुंचा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब जब ईश्वर के ओर जाते हैं, भक्ति मार्ग से जाते हैं, ब्रह्म के मार्ग से जाते हैं, भगवत के मार्ग से जाते हैं, तो हमको जोग माया, विष्णु माया, जिसको हम शक्ति कहते हैं, दुर्गा जी और काली जी जो भी हो, वो माया है। और वो माया हमें धुलाई पिटाई करके साफ सुथरा करने के लिए हमको कष्ट झेलना पड़ता है, वो हमको कष्ट देती है, क्योंकि हमको पवित्र होना जरूरी है। और धुलाई पिटाई के बाद हम जब साफ सुथरा हो जाएंगे, तो वो हमें भगवत मार्ग से और भेज देंगे। तो इसलिए हमको कष्ट झेलना पड़ता है। तो आप यदि पूजन भजन कीर्तन के भी आप कष्ट झेल रहे हो, आप कष्ट में हो, तो विचलित होने का कोई जरूरत नहीं, आप कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको भय का कोई जरूरत नहीं, आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और इसी मार्ग पे आप चलिए, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं।